हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, और आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ जो आपके अंदर शायद थोड़ी सी मोटिवेशन भरेगा। आपको अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। और बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना पीना रहना ये सब कपड़े उपड़े ऐसी, क्योंकि आप चाहे पढ़ाई करने जा रहे हो, स्टार्टिंग बच्चे हो तब, आपका एग्ज़ाम है तब, आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो, आप कुछ ऐसा कुछ नया शुरू करने वाले हो तब, आप कुछ जॉब के लिए सोच रहे हो, जॉब आप करियर ऑप्शन चूज करना है तब, या फिर आपकी शादी हो रही है तब, मोटिवेशन की ज़रूरत हर जगह हर समय हर टाइम में मतलब आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाता है या खुद आप अपने आप से मोटिवेट नहीं हो पाते हो अपनी बातों से अपनी सोच से, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा, आप क्या करोगे, 10 दिन तक उस चीज़ के पीछे भागोगे, ठीक है, शादी को छोड़ के, जो शादी होती है उसको छोड़ के, क्योंकि उसके पीछे शायद ही कोई भागते होंगे, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उस चीज़ को छोड़ दोगे क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइड नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, आपको बूस्टअप करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर हथियार नहीं है, ठीक है। उस हथियार का होना उतना ही ज़रूरी है जितना अगर आपके गले में पूरा सूखा पड़ा हुआ है, गला सूखा हुआ है, तो पानी की जिस समय जितनी ज़रूरत पड़ती है कि आप कुछ भी मतलब सोचते हो कि कुछ मिल जाए जल्दी से पीने के लिए और हम उसे पी ले, वैसे ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, आपको कुछ करियर ऑप्शन चूज़ करना है, आपको कुछ आगे अपने लाइफ में बढ़ना है तब। तो बात करते हैं, मैं तो बंदा हूँ आईटी फील्ड से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फील्ड से हूँ, और मैं आपको बस इसी फील्ड से बता सकता हूँ, और इस फील्ड को मैं जनरल फील्ड से रिलेट करके आपको बता सकता हूँ कि अगर आप आईटी फील्ड में हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप इस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, स्कूल में हैं, आप 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, 8th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, और आपने फ्यूचर का डिसाइड करा है कि मैं तो आईटी फील्ड में जाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को देखिएगा, खासकर जो एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं सिक्योरिटी फील्ड में एंटर होना, उनके लिए। तो अब बात करते हैं कि क्या सिक्योरिटी फील्ड में जाने के लिए आपको कोई 10 लोग एथिकल हैकर बोले, इसका ज़रूरी है क्या, ये ज़रूरी है? तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक एथिकल हैकर बन के ही सिक्योरिटी फील्ड में नहीं जा सकते, ठीक है। अब क्या एथिकल हैकर बनना नहीं ज़रूरी है, मतलब कि कोई मतलब नहीं एथिकल हैकर का? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये बात वही हो गई कि अगर लेट सपोज आपको भूख लगी है, ठीक है, आप खाना खाओगे, वो आपके लिए उसके उस समय आपके लिए वो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, बट उस समय आप मिठाई ही खाओ ये ज़रूरी तो नहीं है, या फिर ना ही खाओ ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बात ज़रूरी की नहीं है, यहाँ की बात है कि आपके माइंडसेट की, कि आपने क्या सोचा है। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो आप क्यों बनना चाहते हो, पहले ये सोचो। दो मैं आपको वे बताता हूँ, इसका दो रीज़न बताता हूँ। एक, आपको जॉब करनी है, दूसरा आपको अपने टाइम पास मज़े के लिए और आपको एक फेम के लिए बनना है, यानी कि आप लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखा सकते, यानी कि आप अलग अलग वेबसाइट्स को अटैक करोगे, उस पर अपने नाम अपने एड्रेस लिख दोगे, अपना फ़ोन नंबर चिपका दोगे कि लो प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा अगर कर सकते हो तो एक ये रीज़न भी है। दूसरा रीज़न है कि जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, तो जॉब, या तो आप जॉब करना चाहते हो किसी बड़े से आईटी फर्म में, आपका सपना है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसे बड़े कंपनी में जाऊं काम करूं, और या तो अपना बिज़नेस एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बिज़नेस स्टार्टअप करूं, छोटा छोटा स्टार्टअप करूं और उसको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, इतने जितना बड़ा, याहू छोड़ दो, याहू बिक गई, इतना बड़ा मतलब कर सकूं उस कंपनी को, यही लोगों के माइंड में होता है। जनरली दो चीज़ें ही होती है, या तो जॉब या बिज़नेस, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो हटके होते हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं कि बस हम अपनी प्रेजेंस दिखाएं, हम इस वेबसाइट पर अटैक करें, उसको करें, लोगों को पता चले कि ये बंदा आया है मिस्टर डैश डैश डैश, ठीक है, मतलब लोग रखते हैं ना नाम, साइबर नेम, तो वो वैसे प्रेजेंस रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है आप क्या। अब आप सोचोगे कि आपको जॉब चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब फलाने वलाने जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ओरेकल है ऐसी, तो आपको चाहिए जॉब, तो क्या वो आपको ऐसे मिल जाएगी? कैसे मिलेगी आपको जॉब? क्या आप गूगल सर्च कर करके, छोटे मोटे कुछ ट्रिक्स जान के, छोटी मोटी वेबसाइट्स डिफेस करके, क्या आप उस जगह पहुंच पाओगे? मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, जो मैंने देखा है मार्केट में कंपनीज़ के उसमें, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही कड़वा सच बताता हूँ, हालांकि मैंने भी पहले ये काम करे हुए, मैं पहले करता था, वेबसाइट डिफेस करना, बहुत लोग करते हैं,
और जो रियल में एक्चुअली क्या होते हैं कि वेबसाइट डिफेस करते हैं, वो उनको नॉलेज बहुत तगड़ी होती है, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उनको, इन द सेंस कि उनको बैकएंड का अच्छा नॉलेज होता है, शेल वगैरह की कैसे मैनेज करना है, लिनक्स के परमिशंस के बारे में नॉलेज होता है, तो सारे नॉलेज होते हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी वेबसाइट हैकिंग सिर्फ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप अपना पूरा टाइम एक डिफेस करने में दे रहे हो, डिफेसिंग में लगे हो, वेबसाइट डिफेसिंग में, और सिर्फ उसी में दे रहे हो, तो मेरी मानो एक टाइम आएगा जब आप ये काम छोड़ दोगे। ये फैक्ट है, ये काम आप छोड़ दोगे या तो बहुत कम कर दोगे, क्योंकि सिचुएशन और टाइम सब कुछ आपसे कराता है। आप अपने घर में, हो सकता है आपके दो चार और भाई हों और वो जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपके घर में पैसे आ रहे हैं, ये तब की केस, तब सिनेरियो है ऐसा। लेट सपोज आपके घर में सिर्फ आप ही हो, आपके पेरेंट्स का, आपके सिस्टर्स का, आपके ब्रदर का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होप है, फैमिली का पूरा आपके ऊपर भार है, प्रेशर है, भार है, जो आप बोल लो, जिस सेंस में अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी है, वैसा है, तो आप उस केस में क्या करोगे? क्या आप डिफेस करते रह जाओगे? आपको डिफेस करने से मिलेगा क्या? मैं ये सोचता हूँ, आपको डिफेस करने से क्या मिलता है? आप कहीं डिफेस करते हो तो ध्यान रहे, आप वैसी वेबसाइट्स को डिफेस करते हो जो ऑलरेडी किसी के द्वारा डिफेस कर दी गई है, या फिर ऑलरेडी उसमें वल्नरेबिलिटी है, या फिर ऑलरेडी वो वल्नरेबिलिटी किसी ना किसी द्वारा एक्सपोज करा हुआ है, वो तभी आपको मिल जाती है। अगर आप एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करके कोई ओरिजिनल अपना डिफेस करते हो, वो अलग बात हो गई, वो सीखने वाली बात हो गई, उसमें आप सीखोगे, क्योंकि वो ईजिली नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं, हमारा, जैसे मैं पूरी एथिकल हैकिंग कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जितने भी हैकर्स हैं, जितने भी एथिकल हैकर्स हैं, उन सब के मैं बिहाफ में बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी वेबसाइट्स आपको इतनी ईजिली मिल जाती हैं जो आप ईजिली हैक कर लो, जो आप फटाफट ऐसे कर, इतनी ईजिली मिल जाती है कि ऐसी वेबसाइट जो वल्नरेबल ना हो, आप उसमें वल्नरेबिलिटी खुद फाइंड आउट करके, या फिर कुछ ऐसा करो कि वो वल्नरेबल हो जाए सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके, और फिर आप उसका अटैक करो, कैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। आपको डॉक्स के वेबसाइट्स मिलते हैं, आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती है जो डॉक्स में तो अवेलेबल नहीं होती है, बट वो ऑलरेडी वल्नरेबल होती हैं, और ऑलरेडी वल्नरेबल होने का मतलब है वो ऑलरेडी किसी और के द्वारा क्रैक कर दिया जा चुका होता है, और फिर आपका जो है वो बारी आती है आपकी, आपको लगता है कि ये क्रैक कर दिया, शेल अपलोड कर दी, हो गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत से यंगस्टर्स जो यंग हैं, अभी कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, उनको एक चस्का आ जाता है, चस्का इन द सेंस कि वो वेबसाइट डिफेसिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं एकदम से, उनको बेसिक बिल्कुल नहीं पता। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट कर रहा हूँ, अगर आप इस बात को समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको चस्का ये बात लग जाता है कि यार डिफेसिंग है, ये शेल अपलोड करनी है, ये शेल लाओ, वो शेल लाओ, सी डबल आई, पता नहीं कौन कौन से, ये वेब शेल करो, ये शेल करो, बहुत सारी चीज़ें ला देते हैं दिमाग में, और क्या करने लगते हैं, वो उसको हैक करने की कोशिश करने लगते हैं। नहीं होती है, वो वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो इधर से उधर से फोरम्स देखना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो डिफेस कर लेते हैं एक दो वेबसाइट्स, तो वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि वाओ, आई डिफेस्ड अ वेबसाइट, सो इज़ इट क्वाइट ईजी, मतलब इतना ईजी है कि आप वेबसाइट डिफेस कर देते हो और उसके बाद आप खुश हो जाते हो, बस हो गया, इतना ही है। आपकी हैकिंग स्किल्स इतने तक की ही करनी थी क्या, या उससे ज़्यादा आपको करनी है, ये बताओ पहली तो। तो अगर आप डिफेसिंग वगैरह में जाना चाहते हो, तो भाई लोग मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिफेस करते हो तो आप छोटी मोटी चीज़ों का भी जानकारी रखो। बहुत सारे लोग हैं जो डिफेस करते हैं और उनको बेसिक पता ही नहीं होता। जी हाँ, डिफेस करते हैं बट उनको लिनक्स का पूरा कमांड नहीं है, डिफेस करते हैं बट उनको पीएचपी नहीं आती सही से, आती है हाँ बस थोड़ा बहुत, ठीक है चलता है। डिफेस करते हैं बट उनको डेटाबेस की अच्छी से समझ नहीं है कि MySQL और MS SQL में क्या डिफरेंस है, MySQL MS SQL कब कहाँ पे और किस तरह से क्वेरीज काम करती है। वो बस इतना जानते हैं कि हैक बार का यूज़ करके उसमें कुछ स्ट्रिंग्स डाल दो, उसको हैक्स वैल्यू में चेंज करो, फिर वो फॉरवर्ड करो, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब बस इतना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें और हैं, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि पहले बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो यहाँ से। और अगर आपको, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके फ़न के लिए आप करते रह जाओगे और आपको आगे जो आने वाले टाइम में वो आपका जो पैसन है उसको प्रोफेशन आपको या तो बनाना पड़ेगा या तो उस चीज़ को छोड़ देनी पड़ेगी, तभी जाके आप आगे कुछ कर पाओगे, बढ़ पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड बिजनेस माइंडेड होते हैं, कुछ लोगों के माइंड जो होते हैं वो जॉब वगैरह करने में लगे होते हैं कि कुछ जॉब करेंगे, कुछ लोगों का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, वो नई चीज़ों का ईजाद करते हैं, जिसे हम इन्वेंटर्स बोलते हैं। तो आपको क्या बनना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 10th 12th में हो, 12th में आ चुके हो, तो आपको डिसाइड पहले से करना पड़ेगा, वरना आप भटक जाओगे, आपको बाद में समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। बस ये है, बात करते हैं कि एथिकल हैकिंग में आने के लिए क्या, मतलब बैकग्राउंड क्या होना चाहिए आपका।
तो मैं बोलूँगा बैकग्राउंड कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, चाहे आप BEd कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप 12th में हो, आपको एथिकल हैकिंग, अगर आना है एथिकल हैकिंग फील्ड में, एथिकल हैकर बनना है, तो आपको बैकग्राउंड से मतलब नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड से मतलब इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एथिकल हैकिंग एक अलग अलग जोन है, एक अलग, एक पूरा एक अलग साइड है टेक्नोलॉजी का, और इसकी पढ़ाई किसी कॉलेज में भी नहीं होती, आपको पता हो। तो इसका किसी से कॉलेज के सिलेबस और कॉलेज वालों और स्कूल से कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। बात है अगर आप इसमें आते हो तो बेसिक आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं क्या रिकमेंड करूँगा, लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स की नॉलेज, यानी लिनक्स या लिनक्स जो बोल लो यार, लिनक्स की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो मैं बोलूँगा कि अगर तो आप एथिकल हैकर नहीं है, मैं बोलूँगा ये, अगर आपको लिनक्स का नॉलेज नहीं है तो आप हैकर यानी कि एथिकल हैकर नहीं है, क्योंकि हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में यार परमिशंस के साथ ही तो आप खेलते हो, आप शेल अपलोड करते हो, आप क्या करते हो उसमें ये बता दो, शेल अपलोड जो करते हैं वो क्या करते हैं, उनको भी परमिशंस के साथ ही खेलना पड़ता है। आप कहीं पे DDoS करते हो, क्या करते हो, परमिशंस। आप कहीं पे कुछ भी वेबसाइट का बैकएंड हैक करते हो, यानी कि सी पैनल, अगर मान लो आप सी पैनल उड़ाते हो, क्या करते हो, परमिशंस। आप सब कुछ परमिशंस के साथ ही खेलते हो, परमिशन है हर जगह। आपको लिनक्स के परमिशन के बारे में नहीं पता कि 777 क्या होता है, तो आप 046 क्या होता है, 461 इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कैसे समझोगे इस चीज़ों को, बताओ, नहीं समझ पाओगे ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, बेसिक में लिनक्स आता है, लिनक्स का नॉलेज लो। बात करते हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पे, तो नेटवर्किंग के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर क्या नॉलेज है, मैं ये सोचता हूँ कि नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर क्या है, बताओ। नेटवर्किंग कहाँ पे नहीं है बताओ, आप जो वेबसाइट हैक करते हो उनका एक सर्वर होता है, सर्वर होता है, तो वेबसाइट हैक करने से कुछ नहीं होता, वेबसाइट डिफेस करने से कुछ नहीं। अगर सर्वर हैक करते हो, यानी कि डायरेक्ट मेन, मैं बोलता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट है सर्वर, उसके ऊपर कुछ नहीं है, मान लो तो उसको अगर हैक करते हो तो इसका मतलब है कि आपको सर्वर के बारे में पता होना चाहिए, क्या है सर्वर, क्या होते हैं सर्वर में, कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है सर्वर के बारे में नॉलेज। इसके लिए क्या करोगे, आप विंडोज सर्वर पे काम करो, विंडोज सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आप CentOS पे काम करो, जो रेड हैट की तरह लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम है एक CentOS, आप उस पे काम करो, लिनक्स का एनवायरनमेंट देगा विंडोज सर्वर, विंडोज का एनवायरनमेंट देगा, दोनों की आपको नॉलेज हो जाएगी। बात करते हैं, आप FTP यूज़ करते हो फाइल अपलोडिंग के लिए, करते हो ना, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। आप SSH यूज़ करते हो लॉगिन एंड ये सब करने के लिए, हाँ करते हैं। आप NFS यूज़ करते हो क्या, कभी शायद करा हो या नहीं भी करा हो, ठीक है। यम सर्वर, यम वगैरह यूज़ करा है कभी रेड हैट में, नहीं, ठीक है, नहीं करा, ओके। तो ये बताओ, आप FTP यूज़ करा है, SSH यूज़ करा है, चलो इतने ही, चलो DNS के बारे में जानते हो, तो क्या आपको ये सर्वर्स बनाने आते हैं, खुद के क्रिएट करने आते हैं, FTP सर्वर खुद का लिनक्स में क्रिएट करना, या फिर SSH सर्वर खुद का क्रिएट करना, उसे कन्फिगर करना, सिर्फ क्रिएट नहीं करना, कन्फिगर करना, ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो सही है। ये सब बेसिक बेसिक फंडा है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर आपको आती है तो आप एथिकल हैकिंग में आगे बढ़ सकते हो। बहुत लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट कोचिंग में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं और एथिकल हैकिंग सीखना शुरू कर देते हैं, तो यार कुछ मतलब कि सीखना शुरू कर दोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आपको उस इंस्टीट्यूट में कुछ अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए, आपको सारी नॉलेज देगा, ये सब चीज़ बताएगा, अगर अच्छा नहीं मिलता वो आपको डायरेक्ट कवर करेगा टॉपिक्स एथिकल हैकिंग के, CEH के, और बस हो गया, काम खत्म। तो ये सही वे नहीं है। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो हाँ, कभी भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ग्रुप्स में रहो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे हैकिंग के, एथिकल हैकर्स के ग्रुप्स वगैरह होते हैं, बग बाउंटी के होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं एनोनिमस, पता नहीं क्या क्या इनके ग्रुप्स होते हैं, ज्वाइन कर लो, ठीक है, ग्रुप में जाओ, ग्रुप्स को एनालाइज करो, देखो, और कुछ मत करो, देखने से बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, उसमें अगर कुछ करोगे तो तुम्हारा सीखना कुछ नहीं हो पाएगा, सीखना हुआ ख़त्म। सीखो उस ग्रुप से, उन ग्रुप्स में कोई पोस्ट करते हैं, बहुत लोग पोस्ट करते हैं, उन पोस्ट से सीखो। अगर हाँ किसी की हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, उसमें तुम्हारी खुद की डाउट क्लियर होती है, अगर कोई हेल्प कर रहा है तुम्हारी तो वो खुद की भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसलिए तुम भी किसी की हेल्प करो इस फील्ड में, उससे खुद के तुम्हारे डाउट्स क्लियर आउट होते जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि तुम हेल्प करोगे, तुम सोचोगे, कभी कभी तुम कहीं फंसोगे तो सोचोगे कहाँ से क्या हुआ, तुम गूगल करोगे, सर्च करो, उसके बारे में पढ़ोगे, वो चीज़ तुम्हें पता चल गई, बस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ फाइनली कि अगर आपको एथिकल हैकिंग फील्ड में आना है, आपको एक हैकर बनना है, आपको अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड में जानी है, तो 12th क्लास तक तो करो पढ़ाई, और 12th के बाद तुम लिनक्स
का कॉन्सेप्ट ध्यान लो, लिनक्स पढ़ो, लिनक्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। लिनक्स पढ़ो, लिनक्स के बाद एथिकल हैकिंग की कोचिंग ज्वाइन करो, कोई अच्छी सी कोचिंग पता करो आसपास में है तो ज्वाइन करो। ऑनलाइन अगर सीख सकते हो तो कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, पेड होते हैं, वहाँ पे जाके सीखो, ऑनलाइन क्लासेस लो, अगर ऑफलाइन है तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करना सीखो, प्रैक्टिकली करने की ट्राई करो। सिर्फ वेबसाइट हैकिंग हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स वो सिर्फ वेबसाइट हैकिंग नहीं करते, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक चीज़ों को जानो, बेसिक छोटी 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 चीज़ों को जानो, कंपोनेंट्स को समझो, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कोई इनबाउंड आउटबाउंड कनेक्शन कैसे बनता है, कैसे प्रोग्राम एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे एक दूसरे एग्जीक्यूट करते हैं, वायरस अटैक करने के बाद क्या करते हैं, कैसे और कहाँ पर अटैक करते हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर CPU का यानी कि प्रोसेसर का, प्रोसेसिंग का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे नेटवर्किंग है जो कि अगर आप जान जाते हो, कौन से ऐसे स्विच है, कौन सा ऐसा राउटर है, मतलब हर चीज़ के बारे में बेसिक आइडिया पहले ले लो, उसके बाद आपको इन चीज़ों में बहुत ही मज़ा आएगा, गारंटी है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सिर्फ वेबसाइट डिफेंस करते रह जाओगे तो सबसे पहली बार टाइम तो आपका जाएगा जाएगा, उस चीज़ में आप मे बी एक्सपर्ट हो जाओ, उसका फ्यूचर नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है। अगर आप सिर्फ वेबसाइट हैकिंग में लगे हो, डिफेंस करने में लगे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। आपको और भी नॉलेज हैं, और भी चीज़ें करते हो तो बहुत अच्छी है, फिर तो उसका स्कोप है। अगर नहीं, इसमें अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत से यंगस्टर्स को देखा इसमें अपना टाइम खराब करते हैं, बिलीव मी, मेरी बात मानो, उस टाइम में से टाइम को आधा कर दो, आधा निकालो टाइम, और उस आधे टाइम को आप अलग अलग चीज़ों को सीखने में, सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस को ब्राउज करोगे तो उसमें टॉपिक्स कम से कम मिल जाएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ डिटेल वीडियो मिलेगी, टॉपिक्स मिल जाएंगे जिस पर आपको पढ़ना हो। मेरी अगर वीडियोस देखो, क्योंकि मैं एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आता हूँ और आपको बोल देता हूँ, तो जो ध्यान से देखते होंगे उनको पता चल जाता होगा, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को पढ़ो, बुक्स पढ़ो, PDFs वगैरह पे पढ़ो, बट PDFs मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं PDF से नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं बुक से ही पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ो, कोचिंग ज्वाइन करो, और उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप पे, अपना एक लैपटॉप रखो, दूसरा एक लैपटॉप लो अपने दोस्त का, एक को सर्वर बनाओ, एक को क्लाइंट बनाओ, खेलो उसके साथ, उनके साथ इधर से उधर फाइल ट्रांसफ़र करो, एक में कोई FTP सर्वर बनाओ, दूसरे को क्लाइंट बनाओ, ऐसे करके ट्रांसफर्स करो, SSH से रिमोट लॉगिन वगैरह लो, इस तरह से करो, टेलनेट वगैरह करो। तो ये सब करने से आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकली आप उस चीज़ में स्ट्रांग होते जाओगे, और फिर आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी, यानी अंदर से आपको एक बहुत ही स्ट्रांग मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को तो अब इतना कुछ पता है, मैं तो इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता हूँ। अगर सिर्फ वेबसाइट हैकिंग पता होगी आपको, लेट सपोज आपको सिर्फ डिफेसिंग पता है, शेल अपलोड करना, कहाँ पे कैसे क्वेरी भेजना है, वो बहुत इजी है मेरे भाई, सबके कमांड है, वेफ बाईपास करना है वो भी कमांड है, आपको शेल अपलोड नहीं हो रही उसको कैसे काउंटर करना है वो भी सबका कमांड है, आप बस कमांड डाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आपको आता फिर क्या है, खुद सोचो जो वेबसाइट डिफेस करते हैं आपको क्या आता है, आपने SQL कमांड्स सीखे हैं कुछ, स्ट्रिंग्स को पास कराना और कुछ नहीं। तो हर चीज़ की नॉलेज लो जो मैंने आपको बताया, फिर देखो कैसा कॉन्फिडेंस अंदर आता है, क्योंकि अगर सिर्फ वेबसाइट डिफेसिंग आती है, सामने कोई अगर अच्छा खासा बंदा मिल गया ना, तो उसके सामने आप एक जवाब भी नहीं दे पाओगे, ये फैक्ट है, नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ डिफेसिंग से, डिफेसिंग साइड का जो पार्ट है वही पता है ना, उसके अलावा अगर वो कुछ पूछ देता है ना अच्छे से, नेटवर्किंग का, राउटिंग का, स्विचिंग का, CCNA से रिलेटेड कुछ पूछ देता है आपसे, तो वो कहाँ बताओगे। एक अच्छा हैकर जो होता है, एक अच्छा एथिकल हैकर होता है, उसे 360 डिग्री नॉलेज होती है, चाहे उसको एकदम से उस चीज़ में वो मास्टर ना हो, बट उसको नॉलेज 360 होती है, इतना है कि अगर सामने वाला कोई उस टॉपिक पर बात करता है, किसी भी टॉपिक पर, टेक्नोलॉजी के, इस हैकिंग के टॉपिक पर, तो वो उसके बारे में उससे थोड़ी बहुत बातें कर सकता है, उसको समझा सकता है, समझ सकता है, इतना काफ़ी है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए और आपको उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप थोड़ा सी आपको हेल्प करेगी ये वीडियो और आपको समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा था पूरे वीडियो में। और अगर जिनको जिनको समझ में आ गई, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि उनको मेरी वीडियो का मेन मोटिव समझ में आ गया, मैंने ये वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा क्या है इस वीडियो में, क्या बोला है। तो जिनको समझ में आया प्लीज कमेंट कीजिए, और मैं आगे ट्राई करूंगा कि इससे कुछ सिंप्लीफाई करके आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊं और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो मिलता अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।